दिस इज वेर वेगर वेलकम बैक टू द चैनल सो आई एम अगेन बैक विद अनदर वीडियो तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है DJI Air आई एयर के ऊपर जो कि मैंने रिसेंटली बाई किया है और कल मैंने Instagram पे स्टोरी भी डाली थी तो काफ़ी सारी क्वाइरीज आ गई थी सो आई थॉट टू मेकअप व्लॉग ऑन दिस जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा जो भी लोग प्लान कर रहे हैं जो न्यूली लॉन्च डी जे आई है उसको और काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स लॉन्च हुए हैं काफ़ी सारे Uh, चीज़ें एनहैंसमेंट हुई हैं एयर टू एस में सो so, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा आज के ब्लॉग में सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आने वाले ब्लॉग्स में, तो में आप लोगों को पता है कि मैं राइड्स करता हूँ एंड आई लव टू कैप्चर ऑल द प्लेस तो उसमें आप लोगों को सारे ब्लॉग्स में दिख जाएगा कुछ ना कुछ सिनेमेटिक व्यूज़ होगा सो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट द क्वालिटी वेरी सोन इन माई अपकमिंग व्लॉग्स यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ एंड यू विल एन्जॉय द वीडियोज़ दिस इज़ दिस इज़ डी जे आई ए टू एस पहले इनका पहले इन लोगों का जो ड्रोन्स आता था उसमें मैविक रहता था तो अभी इस वाले से इन्होंने पूरा मैविक नेम हटा दिया है सो नाओ इट्स डी जे आई ए टू एस जो भी फ्लाइंग ओवर कॉम्बो में जो आप लोगों को आइटम्स मिले हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और आप लोगों को दिखाता हूँ कि फ़्लाइंग ओवर कॉम्बो में एर टू एस के क्या क्या चीज़ें मिलती सो so, अभी हम लोग इस बॉक्स को ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको बॉक्स का जो एक ओवरऑल लुक है वो दे देता हूँ इसमें ये है डी जी आई एयर टू एस कंट्रोलर और उसके साथ में दो तीन बैटरीज एक ऑलरेडी अटैच्ड है और यहाँ पे आप स, देख सकते हो कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी इसके साथ में आ, एक चीज़ अच्छी है कि डी वालों ने इसमें एनडी फिल्टर्स भी दे रखे हैं तो जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं और अगर आप सेपरेटली अगर बाई करने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पड़ जाता है इसके साथ में हम लोगों को मिल जाता है केस जिसमें कि आप जो भी है अपना डी जी ड्रोन को कैरी करोगे तो काफ़ी अच्छा है प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है अभी इसको निकालते हैं जल्दी से तो ये एक छोटा सा बॉक्स है इसमें सारे जो बाकी टूल्स हैं वो सारे रहेंगे केबल्स और बाकी सब इस वाले बैग में काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुकिंग बैग है और आई थिंक सो वाटर प्रूफ भी है इसमें हम लोगों को मिल जाता है DJI जे आई एयर टू एस का ड्रोन आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है मतलब क्वालिटी वाइज और जो फिनिशिंग है इसकी प्रॉपर बहुत ही अच्छी है इसका जो सेंसर है वो वन इंच का है ट्वेंटी मेगा पिक्सल शूट कर सकता है एंड फोर के फाइव पॉइंट फ़ोर के इन सभी मोड्स में शूट कर सकता है यहाँ पे आप लोगों के प्रोपेलर्स लग जाएंगे तो अभी देखते हैं और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ में इसके साथ में आ जाता है एक और बॉक्स एक बॉक्स ये यहाँ पे आ जाता है इसका कंट्रोलर इसके कंट्रोलर को ओपन करेंगे बाद में उसके अलावा आ जाता है ये चार्जिंग के लिए इसको भी ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को सो अभी जो ये दो बॉक्स थे इसमें से मैंने अभी आइटम निकाल लिए हैं और जो इस वाले बॉक्स में था वो हम लोगों को मिल जाता है ये चार्जिंग केबल और ये कुछ इस तरीके से अटैच होता है मैंने एक बार अटैच करके देख लिया और जो बैटरी का है आप लोगों को दो बैटरी मिल जाती है इस बड़े वाले बॉक्स में और ये कुछ इस तरीके से प्लग हो जाती है यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पोर्ट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे तो तीन बैटरी आप एट अ टाइम चार्ज कर सकते हो उसके अलावा जो ये वाला बॉक्स है इसमें ओपन करके देख लेते हैं हम लोगों को क्या मिलता है तो सो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है एक्स्ट्रा केबल्स सी टाइप और बी टाइप इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं उसके अलावा मिल जाएगा हम लोगों को आ, कंट्रोलर के लिए नॉब्स जो कि आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉब्स मिल जाती है एक ऑलरेडी इसके साथ में फिट हो सकती है एक सी टाइप केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए एंड बाकी जो ये सारे हैं ये प्रोपेलर हैं आप लोगों को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा सो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा और यहाँ पे प्रोपेलर्स आप लोगों के लग जाएंगे तो आप लोगों के इसके प्रोपेलर्स लगा के दिखा देता हूँ ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा और ये यहाँ पे क्लिप होती है इसमें अटैच हो जाएगा ऐसे तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पोर्ट सा है जहाँ पे आप लोगों का हुक हो जाता है तो ये चीज़ बाहर नहीं आएगी और जो बैटरी है वो यहाँ पे अटैच होती है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को यहाँ से प्रेस करना है इसको बटन्स को और आप लोग इजीली रिमूव कर सकते हो ये कुछ बैटरी इस तरीके से निकल जाती है आप लोग देख रहे हो गए यहाँ पर इस पर डी का ब्रांडिंग मिल जाता है तो ये जो कंट्रोलर है अभी मैं आप लोगों को इसमें जो फ़ोन है उसको अटैच करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को करना है तो ये वाला जो है इसका फ़ोन क्लिप करने के लिए होता है यहाँ पे जो केबल आप लोगों को दिख रही होगी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से हटा के क्योंकि ये जो है ये आईफोन का है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा केबल्स जो मिली हुई थी यहाँ पे मैं सी टाइप वाली निकाल निकालेता तो, हूँ तो ये सी टाइप वाली केबल है इसको अभी हम लोग लगाएंगे तो ये सी टाइप वाली केबल यहाँ पे कंट्रोलर में लग चुकी है उसके अलावा मेरे को लगाना है यहाँ पे फ़ोन तो अभी उससे पहले आप लोगों को जो कंट्रोलर में ऑप्शन मिल जाते हैं वो दिखा देता हूँ तो कंट्रोलर में आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर यहाँ पे ये बटन है ये ऑन का तो आप जैसे ही इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का बैट आ, लाइट जलने लग जाएगा तो इसको यहाँ पे लॉन्ग टैप करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये दो नॉब्स मिल जाती है ये फ्रंट एंड बैक साइड मूवमेंट के लिए और उसके ही उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन बटन मिल जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर पे ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे क्विक रिकॉर्डिंग और कैप्चर के लिए बटन है और ये गिम्बल टाइल है आप लोगों को जिस जो ये कैमरा जो मिलता है इस कैमरे को ऊपर नीचे करने के लिए आप लोगों को जो भी कैप्चर करना है वो इसके थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे फ्रंट एंड लेफ्ट एंड राइट मूव करके तो फ़ोन को अटैच करने के लिए बस इसको करना है यहाँ से ऐसे क्लिप और जो सी टाइप केबल है उसको आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आप लोगों का फ़ोन और यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल करने करना पड़ेगा DJI का फ्लाई ऐप सो डी जे का फ्लाई ऐप जो है वो अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो मैंने ऑफिशियल साइट से इंस्टॉल किया है इसको तो जैसे ही आप DJI का फ्लाई ऐप इसको इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों को ये फ्रंट का जो होम पेज है वो मिल जाएगा यहाँ पे कनेक्ट टू एयरक्राफ्ट करोगे तो आप लोगों को एर टू एस का एर टू एस का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करो सो so कुछ इस तरीके से आप लोगों को सारी एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं इसके अंदर और अभी मैं इसको चार्ज करूँगा और आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को सारी जो इसके फ़ीचर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे उसके अलावा आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें और मिल जाती हैं साथ में जो कि आप लोगों को एक ये केस है इसमें आप लोगों को मिल जाता है एनडी फिल्टर्स तो जो तो इसके साथ में आप लोगों को चार एनडी फिल्टर्स मिल जाते हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आप लोगों को कभी भी ओवर एक्सपोजर हो गया या फिर आप लोगों को थोड़ा सा अलग सिनेमेटिक लुक देना होता है तो एंडी फिल्टर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं उसके अलावा जो चार्जिंग के लिए केबल मिल जाती है आ, ये वाला अडेप्टर मिल जाता है आप लोगों को और कुछ इस तरीके का पोर्ट है यहाँ पे ये, ये वाला जो है आप लोगों का इस पोर्ट में अटैच हो जाएगा तो अगर आप लोग यहाँ पे चार्ज करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे ऐसे क्लिप कर सकते हो तो ये कुछ इस तरीके से क्लिप हो जाएगा एंड आप लोगों को आ, तीन बैटरी एक साथ में चार्ज कर सकते हो उसके अलावा इन्होंने एक कॉम्पैक्ट ऑप्शन भी अच्छा दिया है कि आ, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक केस भी कैरी कर सकता हूँ जिससे कि मेरे को आ, शूट कर मतलब जिससे कि मेरे को अगर आ, एक ही सिंगल कैरी करना है देन आई कैन यूज़ दिस वन एज वेल तो इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसको आपको ओपन करके यहाँ पे लगाना रहेगा और जो ए वाले हैं वो ए वाले जो प्रोपेलर्स लगाने हैं वो आप लोगों को एडजेसेंट जो साइड्स हैं वहाँ पे लगाना है एक इस साइड लगेगा एक इस साइड लगेगा और जो दूसरे वाला जो इसमें कवर में बी लिखा हुआ है बी वाले को यहाँ पे और इधर वाले में लगाना है तो मैं इसके क्लिप्स निकाल देता हूँ और इसको खोल के अभी फिट करेंगे तो यहाँ पे ड्रोन के प्रोपेलर्स लग चुके हैं इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है और इसको इसी से इसी हिसाब से फिट करना पड़ेगा अदरवाइज ये आप लोगों का काम नहीं करेगा कुछ डिज़ाइन इस तरीके से दिख रहा है तो ये जब भी आगे फ्रंट की ओर पुश करता है तो काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है आप लोगों को स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी इसमें जो आप जब भी फ्लाई करते हो इसको ड्रोन को तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सो so अगर इसके फीचर्स की बात आ जाए तो जो इसका वेट है दैट इज़ फाइव नाइन्टी फाइव ग्राम और जो पर बैटरी जो फ्लाई टाइम मिलता है दैट इज़ थर्टी वन मिनट कैमरा जो है वो वन इंच का है ट्वेंटी मेगा uh, मेगा पिक्सल फाइव पॉइंट फोर के इज़ द मैक्स लिमिट जहाँ पे आप लोग इसको शूट कर सकते हो और uh, जो एनडी फिल्टर्स हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फोर एट सिक्सटीन और थर्टी टू रेंज के फ़िल्टर सेट मिल जाते हैं जो केबल है आप लोगों को तीन केबल्स मिलती हैं वन इज़ सी टाइप एप्पल एंड बी टाइप सो तीन तरह का केबल मिल जाता है उसके अलावा सी टाइप यू केबल मिलता है आप लोगों को चार्जिंग ऑप्शन के लिए उसके अलावा जो इसमें सेंसर्स हैं जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को फ्रंट में दो सेंसर हैं और नीचे जो हैं दो सेंसर हैं तो ये चीज़ और ये बैक में आप लोगों को दिख रहे होंगे ये बैक में दो सेंसर हैं तो ये सारे जो सेंसर्स हैं आप लोगों को किसी भी जगह पे कॉम्पैक्ट एरिया में अगर आप ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो तो वो कहीं पे भी हिट करने से बचा सकता है सो so, ओवरऑल जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को प्रीमियम लगा जो इसके साथ में फ्लाई मोर कॉम्बो में जितने भी चीज़ें मिली हुई हैं वो काफ़ी सारी हैं एंड इनफ हैं किसी भी एक वीडियो शूट करने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं तो गाइज आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो डू लेट मी नो डाउन द कमेंट्स और जो गैजेट मैंने लिया है उसका आगे वाला एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली आप लोगों को आने वाली ब्लॉग्स में तो जो मेरा कन्याकुमारी राइड होने वाला है वहाँ पे भी आप लोगों को सिनेमेटिक शॉट्स मिल जाएंगे उसके अलावा जो लेह लद्दाख ले ले वाला राइड है अगस्त में उसके भी सिनेमेटिक शॉर्ट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज विकेट राइडर ऑफिशियल जो अभी आप लोगों को पॉपअप में आ रहा है उसी के साथ में आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ टेक केयर बाय बाय द नेक्स्ट ब्लॉग